हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि अगर आपकी किसी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। और दोस्तों, कॉपीराइट क्लेम बेसिकली दो रीजंस की वजह से आता है। तो दोस्तों, जो पहली वजह होती है वो ये कि अगर आप किसी का कॉपीराइट म्यूजिक यूज कर लेते हैं तो उस म्यूजिक का जो ओनर होता है वो हमारी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम भेज देता है। और दूसरा रीजन ये होता है कि अगर आप किसी का कंटेंट अपनी वीडियो में यूज करते हैं तो उस वजह से भी कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर लोगों की वीडियो में कॉपीराइट म्यूजिक यूज करने की वजह से ही क्लेम आता है। तो मैं इस वीडियो में बहुत ही इजी वे में आपसे शेयर करूंगी कि कैसे आप मोबाइल के थ्रू ही अपनी वीडियो से कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वो बेल बटन भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आपको अपनी वीडियो से कॉपीराइट क्लेम रिमूव करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है। एंड देन यहां पर आपको सर्च कर लेना है studio.youtube.com। तो यहां पर आपका YouTube स्टूडियो ओपन होकर के आ जाएगा। एंड देन आपको यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और आपको अपनी वो वीडियो ले लेनी है जिसमें कॉपीराइट क्लेम आया है। तो मेरी रीसेंट वाली वीडियो में ही कॉपीराइट क्लेम आया है, तो मैं उसे ले लेती हूँ यहाँ पर। एंड देन आपको यहाँ पर इसकी डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं मेरी इस वीडियो में यहां पर ये कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ है। आपको इस कॉपीराइट क्लेम पर ही क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है योर वीडियो इज इन एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन ड्यू टू अ कॉपीराइट क्लेम। मतलब कि मेरी ये वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए इन एलिजिबल है, मुझे इस वीडियो से कोई भी मनी अर्न नहीं होगी। तो आपकी जिस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया हुआ होता है वो वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए इन एलिजिबल हो जाती है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सी डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है इन लोगों ने, वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड, द कंटेंट आईडी क्लेम ऑन योर वीडियो डजंट अफेक्ट योर चैनल, दिस इज नॉट अ कॉपीराइट स्ट्राइक। मतलब कि इस क्लेम से हमारी चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, बस क्लेम है। तो दोस्तों, मैंने अपनी इस वीडियो में एक बॉलीवुड सॉन्ग यूज़ किया था, इसीलिए मेरी इस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया है। तो मेरी ये वीडियो 56 सेकंड की है, मैंने पूरी वीडियो में यूज़ किया है, तो यहाँ पर ये टाइम भी शो हो जाएगा आपको। आपने जितनी देर के लिए भी यूज़ किया होगा सॉन्ग, वो यहाँ पर मेंशन हो जाता है। आपको इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक सेलेक्ट एक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज़ किया है और गलती से आपकी वीडियो में क्लेम आया है, तो आप ये डिस्प्यूट वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मैंने एक्चुअली में सॉन्ग यूज़ किया था, बॉलीवुड सॉन्ग, तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप सॉन्ग को म्यूट कर सकते हैं या फिर आप सॉन्ग को रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस सॉन्ग वाले ऑप्शन को यूज़ कर रही हूँ। आप जैसे ही रिप्लेस सॉन्ग पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको YouTube ऑडियो लाइब्रेरी ओपन होकर के आ जाएगी। और दोस्तों, YouTube ऑडियो लाइब्रेरी में जितने भी म्यूज़िक हैं ये सारे ही कॉपीराइट फ्री हैं, तो आप इनमें से कोई भी म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर ये सेकेंड वाला यूज़ कर रही हूँ। एंड देन आपको यहाँ पर ऐड कर देना है इसको, और उसके बाद आपको यहाँ पर इसे सेव कर देना है। तो आपकी वीडियो में ये वाला म्यूज़िक लग जाएगा जो भी आपने चेंज करके लगाया है। अब दोस्तों, यहाँ पर सॉन्ग रिप्लेस करने के बाद आपको थोड़े टाइम के लिए वेट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर अपने आप ही कॉपीराइट क्लेम रिमूव हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़े टाइम वेट करने के बाद आपको अपनी वीडियो शो कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरी इस वीडियो में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अब यहाँ से कॉपीराइट क्लेम हट चुका है। तो आप भी इसी तरीके से अपनी किसी भी वीडियो से कॉपीराइट क्लेम रिमूव कर सकते हैं।
सो या दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो. आई होप अब आप अपनी वीडियो से आसानी से कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर पाएंगे. सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.